बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, बोले हमसे तो इस्तीफा ले लिया था, अब तेजस्वी ले। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सब साजिश के तहत किया जा रहा है, मुझे चार्जशीट में जानबूझकर फंसाया गया। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में जमकर किया हंगामा, स्पीकर के सामने पटकी कुर्सी। पटना में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, आज 1,00,000 टीचर करेंगे विधानसभा का घेराव। पटना और वैशाली में तेज बारिश का अलर्ट, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लालू प्रसाद यादव को लेकर दिल्ली से लौटे तेजस्वी, बोले भाजपा वालों का किया जाएगा सर्जरी। शिक्षक नियमावली को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर बोला हमला, कहा शिक्षकों के साथ हो रहा है अन्याय। सभी की एक्सपायरी डेट होती है, महागठबंधन में घमासान के बीच नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी का बयान। गोपालगंज में बाइक पर लदी 118 लीटर देसी शराब जब्त, 3 किशोरी हुए गिरफ्तार। पटना में मां ने बेटी दामाद के खिलाफ दर्ज करवाया एफआईआर, कहा दोनों दहेज में मांग रहे थे 20,00,000 रुपए। पटना, गोपालगंज, समस्तीपुर में झमाझम बारिश, कई जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट हुआ जारी। देवघर में 2 अलग अलग हादसे में कई कवारिये घायल, दुमा के पास पेड़ से टकराई कवारियों से भरी कार। इसमें खूनी खेल, बॉयफ्रेंड ने पहले मां को कराया नशा, फिर 2 मासूमों की गर्दन मरोड़कर हत्या की गई। पटना में विमान घटने से ट्रेनों में बड़ी भीड़, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली किसी ट्रेन में इस महीने सीट उपलब्ध नहीं। राबड़ी देवी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलता है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई लगा देती है चार्जशीट। श्रावण मास में नदी के जल पीने की जानकारी पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर नदी को पिलाया जल। दानापुर में करंट लगने से दंपति झुलसे, पति की मौत, पत्नी हुई घायल। पटना में 4 बच्चों के पिता ने की आत्महत्या, पत्नी बोली रात में हुई थी कहा सुनी, सुबह फंदे से लटकता मिला शव। सासाराम में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक चली इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल। बोकारो में रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर हादसा, कार और कंटेनर की आमने सामने टक्कर, कार चालक की हुई मौत।